गोरखपुर सांसद खेल और लोककला महाकुंभ 2023-24 उद्यापन दिवस जोगद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी कहते आज को 7 वर्ष पूर्व ग्रामांचल एभली खेल भित्तिभूमि को नहीं कहीं कल्पना भी करूँ वर्तमान एठार स्टाडियम रही खेला स्टाडियम रही बेले कलाकार ऑडिटोरियम रही यहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा जो ही संभव हो पारी खेलो इंडिया जो सबू संभव हो खेल प्रतियोगित विजयी प्रतियोगी को पुरस्कृत करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिटनेस के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होगा वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। हमें केवल विद्यार्जन ही नहीं करना है, खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है। सर्वांगीण विकास का रास्ता वहीं से प्रारंभ होता है और आज सरकार की यही मंशा है कि राष्ट्रीय स्तर की हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, जिस भी प्रकार की प्रतियोगिताएं हो, हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए युवा उसमें अपना स्थान बनाए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी खेल नीति के तहत प्रदेश के युवाओं को जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में या नेशनल गेम्स में कोई मेडल जीता है उसे हम सरकारी नौकरी देंगे, उसके लिए अलग से प्रावधान कर दिया गया है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।